पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में भीषण गर्मी के चलते बिजली संकट से लोग जूझ रहे हैं। इस किल्लत की वजह से देश में कोयले की कमी को बताया जा रहा है। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से घंटों बिजली कटौती से लोगों का बुरा हाल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी बिजली को लेकर नोकझोंक हो रही है। शिवराज सरकार ने कोयला संकट को दूर करने के लिए एक नया रास्ता निकाला है। मध्य प्रदेश में बिजली और कोयला संकट को दूर करने के लिए शिवराज सरकार ने नया रास्ता निकाला है। अब सरकार सड़क मार्ग से लाखों मेट्रिक टन कोयला मंगवाएगी। सरकार ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। 30 लाख मेट्रिक टन कोयले का ऑर्डर जारी हो चुका है और जल्द ही 4 लाख मेट्रिक टन कोयले का ऑर्डर दिया जाएगा। इस कोयले से थर्मल पावर प्लांट में होने वाले कोयले की कमी को पूरा किया जाएगा। ये कोयला नागपुर के आसपास की कोल माइन से खरीदा जाएगा। दरअसल प्रदेश में कोयले का संकट लगातार गहराता जा रहा है, इसकी वजह रैक का नहीं मिल पाना है। प्रदेश में रोज 10 से 15 ही रैक पहुंच पा रही है। ऐसे में कोयले की कमी के कारण थर्मल पावर प्लांट अपनी क्षमता के तहत बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में एक दिन पहले बिजली की मांग और आपूर्ति पर नजर डालें तो बिजली की मांग 12,600 मेगावाट थी, जिसके एवज में 11,400 मेगावाट की ही आपूर्ति हुई, यानी 1200 मेगावाट बिजली की कमी रही है। मध्य प्रदेश में कोयले की स्थिति, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन अमरकंटक 210 मेगावाट उत्पादन क्षमता, 49,000 मिलियन टन कोयले का स्टॉक, 15 दिन का कोयला स्टॉक, स्थिति सामान्य। संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन बिरसिंहपुर पाली 1,340 मेगावाट उत्पादन क्षमता, 30,800 मीट्रिक टन कोयले का स्टॉक, 22,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन कोयले की खपत, 1.5 दिन का कोयला स्टॉक, स्थिति क्रिटिकल। सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन सारनी 1,330 मेगावाट उत्पादन क्षमता, 55,400 मीट्रिक टन कोयले का स्टॉक, 18,200 मीट्रिक टन प्रतिदिन कोयले की खपत, 3 दिन का कोयला स्टॉक, स्थिति क्रिटिकल। श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन खंडवा 2,520 मेगावाट उत्पादन क्षमता, 1,05,110 मीट्रिक टन कोयले का स्टॉक, 36,300 मीट्रिक टन प्रतिदिन कोयले की खपत, 4 दिन का कोयला स्टॉक, स्थिति क्रिटिकल। मध्य प्रदेश में बिजली के संकट को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का आरोप है कि प्रदेश में बिजली का संकट बीजेपी सरकार ही पैदा कर रही है। निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उत्पादन कम किया जा रहा है। सरकार निजी कंपनियों के भरोसे ही बिजली का उत्पादन करना चाहती है, इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है। इसके अलावा कोयले की सप्लाई के लिए भी राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश बिजली के उत्पादन के मामले में सरप्लस में है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कटौती नहीं हो रही है। कोयले की सप्लाई के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। सरकार धोखा दे रही है जनता को। 23,000 मेगावाट के एग्रीमेंट होने की ये सरकार बात करती है, लेकिन 12,000 मेगावाट की जरूरतें हैं मध्य प्रदेश की मात्र, और उसकी सांसें फूल रही है सरकार की। कोयला कहीं पर भी स्टॉक में नहीं है। जो पावर प्लांट जो है मामा सरकार की असफलता का स्मारक बना हुआ है सिंगाजी पावर प्लांट, उससे जो है बिजली पैदा नहीं हो रही है। जो बिजली के प्लांट है उन्हें बंद किया जा रहा है। पूरा का पूरा सारणी ढप पड़ा हुआ है। 830 मेगावाट बंद पड़ी हुई हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार बिजली सरेंडर कर रही है। एक तरह से जो है ये चाहते हैं कि जनता जो है त्राहिमाम कर दे, पागल हो जाए। जब जनता चिल्लाने लगे तब धीरे से जो है अदानी एंड कंपनी हम दो हमारे दो को ये पावर प्लांट्स बेच दिए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश की सरकार के जो है भविष्य की रूपरेखा प्रतीत होती है। गर्मी के दिनों में पानी की कमी की वजह से बिजली के उत्पादन में थोड़ा सा कमी होने का काम होता है, परंतु कोयले से जो बिजली उत्पादित होती है उसके माध्यम से हम पूर्ति करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई संकट नहीं, ना कोयले का संकट है ना बिजली का संकट है। हम आपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में पर्याप्त बिजली है, सरप्लस बिजली है, हम देने का काम कर रहे हैं। बहरहाल सरकार दावा जरूर
दूर कर रही है कि मध्य प्रदेश में बिजली का संकट नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार खुद रिपोर्ट में बता रही है कि राज्यों में डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल है कि प्रदेश में जनता के लिए हर स्थिति से निपटने का दावा करने वाली सरकार कैसे बिजली संकट से निकालेगी। कैमरामैन मनीष के साथ भोपाल ब्यूरो से विशेष संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट। चलिए, राजधानी भोपाल से अपडेट मिल रही थी। आज ही पुराने आरटीओ दफ्तर को देखने पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और जानकारी मिल रही है कि पुराने आरटीओ कार्यालय में शिफ्ट हो जाएगा बीजेपी मुख्यालय। अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया जा रहा है बीजेपी मुख्यालय को, जब तक कि उनकी जो वास्तविक इमारत है वो पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाती। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वी डी शर्मा के साथ जो अस्थायी कार्यालय पुराने आरटीओ दफ्तर में बनाया गया है उसका अवलोकन किया। जिला प्रशासन ने किराए पर फिलहाल पुराना आरटीओ दिया हुआ है बीजेपी को कामकाज के लिए, और बीजेपी मुख्यालय अब कुछ समय के लिए आरटीओ के पुराने दफ्तर में शिफ्ट हो जाएगा। के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने ये निर्णय किया है कि हमारा जो कार्यालय भवन है ये देश का सबसे पुराना और सबसे अच्छा भवन उस समय बना, लेकिन आज के समय के अनुकूल जो काम की आवश्यकता है उसके अनुरूप इस भवन के नए निर्माण की तैयारी हमारे नेतृत्व ने सबने मिलकर के इसका निर्णय किया है। इसलिए ये कार्यालय शिफ्टिंग करने के लिए हम सब लोगों ने प्लान किया है, सरकार से हमने एप्लीकेशन किया था और माननीय जिलाधीश को जो एप्लीकेशन हमने दी उसके आधार पर जो आरटीओ भवन है वो किराए पर हमें मिला है। जल्दी ही हैंडओवर होगा और उसके बाद हम अपने कार्यालय की शिफ्टिंग करेंगे, और ये कार्यालय मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का सुसज्जित आधुनिक समय के अनुरूप और सिंपलिसिटी के आधार पर अच्छा कार्यालय बने, ये प्रयास हमारे सभी नेतृत्व से मिलकर के हमने सहमति लेकर के निर्णय किया और इसको हम एक अच्छा भवन कार्यालय बनाएंगे जो समय के आज के काम की दृष्टि से उपयोगी बनेगा। 2023